हाँ अभी तो एटलीस्ट 2 मंथ्स आपकी क्लासेस अभी ऐसी रन करेंगी ऑनलाइन, फिर उसके बाद एग्जाम्स होंगे। अभी तो ये वाले रिजल्ट्स आएंगे आपके। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स प्लीज डू मेंशन योर सेक्शन एंड अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। हम लोगों ने बहुत सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, उसके रोल्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों नीडेड होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फाइनेंसेस को देखने के लिए क्यों जरूरी होता है और कौन से डिसीजंस लेने के लिए जरूरी होता है। तो हम लोगों ने रोल, फैक्टर्स, कंपोनेंट्स इवन, और कौन कौन से रिस्क फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इम्प्लाइड होते हैं, हम लोगों ने उनके ऊपर भी डिस्कशन किया। और टुडे, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जो कॉस्ट है ना उसकी क्लासिफिकेशन, कैटेगरी कौन कौन सी है, कितनी कैटेगरीज की या काइंड्स की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। और फिर सेकेंडरी हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू मैनेज कंप्यूटेशन और मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, की जो कॉस्ट है उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हाँ क्लास, तो अभी तक आई होप कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में ज्यादातर सारी चीजों के बारे में पता चल गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात करी थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का असेसमेंट जब हम करते हैं तो उसके लिए हम लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला यूज करते हैं। बेसिकली वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हमें ये डिफाइन करता है कि अलग अलग जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब की जो कॉस्ट होती हैं जब वो इन्वॉल्व होती हैं, या उनसे हमें ये कैटेगरीज, इन अलग अलग जो ये कॉस्ट है इनसे ये पता चलता है कि कैसे कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और उससे हमें ये पता चलता है कितने रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं। अलग अलग हम लोगों ने बात करी थी कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए या अलग अलग कंपनीज में जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो उन्हीं इन्वेस्टमेंट, उन अलग अलग इन्वेस्टमेंट में हमें किसमें मिनिमम रिटर्न आ रहे हैं, किसमें मैक्सिमम रिटर्न आ रहे हैं, ये हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताते हैं। फाइन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, जो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है उनका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। उसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट आर बुक्स कॉस्ट रिलेटिंग टू द पास्ट, वाइल फ्यूचर कॉस्ट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट विच एक्ट एज अ गाइड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई नया फीचर अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने सोचा कि अगर हम ये नया फीचर, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री है, हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स बनते हैं, असेंबल होते हैं या मैन्युफैक्चर होते हैं कुछ भी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जो मोबाइल फोन्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बना रहे थे या असेंबलिंग कर रहे थे, तो कितनी कॉस्ट आती है उस पर्टिकुलर बनाने में, उस प्रोडक्ट को, उस मोबाइल को बनाने में। फिर हमने तो अभी तक जितनी कॉस्ट आई, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व थी, वो सारी की सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट की कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे क्योंकि बेस करती है हिस्ट्री पे। फिर अगर हमने कोई नया फीचर अपने मोबाइल फोन में ऐड किया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, पहले हम लोग जब भी मोबाइल फोन हम लोगों को ओपन करना होता था तो हम लोग जो लॉक्स होते थे वो लॉक के पैटर्न्स होते थे या नंबर्स में होते थे, और अब हम लोगों ने जैसे थंब इम्प्रेशन का भी पैटर्न आ गया है कि आप थ्रू थंब इम्प्रेशन, फेस रिकॉग्निशन से भी आप अपना मोबाइल फोन ओपन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो ये नया फीचर ऐड करने के लिए अब हमारे प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो एस्टिमेशन करते हैं हम। फाइन, तो यानी कुछ हमारे पास जो पुराना जो डेटा था जिससे हमें पता चला कि हमारे पुराना जो प्रोडक्ट था बिना अपडेशन के उसकी उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही थी, और फ्यूचर में जब हम ये नया तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इस नए तरह के प्रोडक्ट को, ये नया फीचर ऐड करने के बाद हमें कितनी और कॉस्ट लगानी पड़ रही है। तो
हिस्ट्री कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट हमेशा जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसके होता कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट आ रही होती है ना प्रोडक्ट की, हम बहुत ज्यादा उससे एकदम हायर बहुत नहीं हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए और बहुत ज्यादा डिक्रीज ना हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स भी बढ़ते रहते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक पैटर्न या एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम काम करें, तो ये देखने के लिए हम ऐसा करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट और कॉम्पोजिट कॉस्ट। इसमें भी आपको जो उसके हेडिंग है से क्लियर हो जाएगा, स्पेसिफिक यानी इंडिविजुअल या स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल कॉस्ट की यहाँ पे बात करी जा रही है, एंड कॉम्पोजिट कॉस्ट इज अ क्लब ऑफ ऑल दी कॉस्ट। ठीक है, जितनी भी अलग अलग कॉस्ट की बात करी जा रही है उनको जब हम क्लब करते हैं तो उनको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट कॉस्ट, और जब हम इंडिविजुअल बात करते हैं कॉस्ट की तो हम बोलेंगे स्पेसिफिक कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, तो WACC क्या करता है, क्लब कर देता है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट होती है उस पर बात करी थी, आई होप याद होगा आपको, बिकॉज अगर हम कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखते हैं तो उसकी भी तो कॉस्ट आ रही है, हमने वो पैसा हम उसको यूज नहीं कर रहे, अगर हम मैम सिर्फ यूज यस बेटा मैम कॉम्पोजिट कॉस्ट मतलब सिर्फ सिक्योरिटीज का टोटल वैल्यू? हाँ पैसे मान सकते हो ऑब्वियसली, सारी ओवरऑल कॉम्पोजिट, जैसे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जब हम लोग बात करते हैं वो क्या होगा, कॉम्पोजिट हो गया, उसमें इक्विटीज भी हो गई, शेयर का हो गया, यानी एक कॉम्पोजिशन होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, और स्पेसिफिक में इंडिविजुअल। ठीक, जैसे WACC क्या हो गई, कॉम्पोजिट कॉस्ट, अगर हम लोग इंडिविजुअल या स्पेसिफिक कॉस्ट की बात करेंगे तो वो क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फाइन, स्पेसिफिक कॉस्ट का एग्जाम्पल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी सिंगल वाली, और कॉम्पोजिट का मतलब हो गया WACC, जिसमें जितनी भी कॉस्ट यानी इक्विटीज, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग और जितना भी ये प्रेफरेंशियल सबका मिला के हम बोलेंगे तो वो हो गया कॉम्पोजिट कॉस्ट। क्लियर? ओके मैम, ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग आ जाते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। बेसिकली ये जो अलग अलग कॉस्ट है क्लास एग्जाम में जब आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं ऐसा कुछ आता है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द डिस्काउंटेड रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, बस ये इनफ्लो और आउटफ्लो याद रखोगे तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट याद रहेगी। ठीक है, जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और जब हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो क्या हो रहा होता है दोनों केस में, ये हम लेमैन टर्म्स में समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, यानी जब हम को कुछ परचेज कर रहे होते हैं, जब कुछ खरीद रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा होता है और हमारे पास से जा क्या रहा होता है, कैश, यानी क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, और दूसरा उसका वाइस वर्सा केस क्या होता है, जब हमें कैश का इनफ्लो हो रहा हो। ठीक है, तो जब आउटफ्लो हो रहा हो, इनफ्लो हो रहा हो, तो इसी को एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आ जाता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में स्लाइटली सा जो डिफरेंस है वो ये है, एवरेज जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, जो जैसे हम लोगों ने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करी, तो उसमें हम लोग क्या करें, इक्विटीज, प्रेफरेंशियल्स, रिटेन अर्निंग, सबकी हम एवरेज बात कर रहे हैं, एवरेज की अलग अलग कॉम्पोजिशन में हमें कितना जो कॉस्ट आ रही है, यानी कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, अगर हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इंडिविजुअली हम देख रहे हैं कि हमें डिबेंचर्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 60% रिटर्न्स आ रहे हैं, इक्विटीज में कर रहे हैं तो हमें 40% रिटर्न आ रहे हैं, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना एवरेज बना 100 का 60 40 का, ये हमारा एवरेज बना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें बात कर रहे हैं मार्जिन की, इसमें बढ़ दिया ना मार्जिनल कॉस्ट। एक मिनिमम सर्टेन रेट तक हमें पता है कि अगर हम अर्न कर रहे हैं किसी जगह इन्वेस्ट करने से, फॉर एग्जाम्पल तीन कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स ले लेते हैं, तीन स्टार्टअप्स हैं हमारे पास में और उन स्टार्टअप्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो जो इन स्टार्टअप में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स हमें क्या दे रहे हैं, मिनिमम एक रेशियो दे रहे हैं। तीनों में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम 100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें मिनिमम एक वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है, उसके बाद मार्जिन्स में मिल रही होगी। यानी हम अगर 10% और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, फॉर एग्जाम्पल हम 50 50 50 रुपीज सब में, तीनों में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक, हमने ये देखा अगर हम 50 से 60 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं किसी में, तो हमें रिटर्न्स आते हैं, जो हमें रिटर्न्स आ रहे हैं वो 10% के आ रहे हैं। अगर हमने दूसरे में देखा कि अगर हमने 50 से 80 पे पहुंच गए, तो हमें रिटर्न्स आ रहे हैं 13%, ठीक। फिर हमने देखा कि अगर हम 100 का, अगर हम 50 और इंक्रीज कर देंगे, तो हमें रिटर्न्स एकदम से बढ़ रहे हैं, हमारा 20% रिटर्न्स आ रहे हैं। तो बेसिकली कितने मार्जिन का इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा दें, जिससे हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न्स है ना, जो हमें रिटर्न्स आ रहे हैं या हमें प्रॉफिट जो अर्न होने लगे वो हायर अर्न होने लगे, तो हमें ये मार्जिन्स भी पता होने चाहिए ना कि मिनिमम इतना अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतने मार्जिन से तो हमें इतना तो अर्न होना ही होना है, कितना और बढ़ा दें, हाउ मच, ठीक है, कितना इन्वेस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन में या किस स्टार्टअप में हम इंक्रीज कर दें। क्योंकि जब हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, तो हम मार्केट की सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं कि मार्केट में करंट में क्या सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी जैसे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस अभी उतने बेटर रन नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू पैंडेमिक या कोविड, तो हम उन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे जो भी करंट टाइम में चल रहे हैं, जिनमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ये हमें मार्केट की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखना होता है, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो दीज आर ऑल दी कॉस्ट, जो अलग अलग तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, और किसी भी बिजनेस को रन करने में हमें इन सब कॉस्ट के बारे में पता होता है, और हम इन्हीं से असेसमेंट करते हैं, क्योंकि इनसे हमें ट्रेंड पता चलता है कि अगर बाई चांस फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हिस्टोरिकल डेटा या हिस्टोरिकल डेटा से हमने कॉस्ट नहीं देखी, हमने चेक ही नहीं किया भाई कि पिछली बार हमारा प्रोडक्ट कितने में बिक रहा था, और हमने देखा कि अगर हम ये वाला फीचर ऐड कर देंगे क्योंकि अभी ट्रेंड में है, फिंगर से अनलॉक करना या फेस रिकॉग्निशन से अनलॉक करना अभी ट्रेंड में है, अगर हम अभी ये वाला फीचर ऐड कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत बिकेगा, ठीक। तो उसके बिहा आप ठीक है, ऑब्वियसली आपने एस्टिमेशन किया होगा, लेकिन क्या आपने अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट देखी कि लास्ट कुछ टाइम में आपका ट्रेंड क्या चल रहा था, ठीक है, तो कितना मार्जिन आप बढ़ा रहे हो, आपको कितने बेनिफिट्स हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आप किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। फाइन, उसके बाद हम लोगों की स्क्रीन पर जो शो रहा है, इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व। अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज याद हो, तो ये एक थ्योरी ऐसी है जिससे ये बिल्कुल सिमिलराइज करता है, सिमिलर है। अब हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे मे बी आपको याद आ जाएगा, जहां पर हम लोगों ने बात करी थी कि हमें ऐसा पॉइंट पता होना चाहिए जिस पॉइंट तक हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर हम और ज्यादा इंक्रीज करते हैं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, तो क्या होता है, हमारी पहले जो वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे जा रही थी, वो हमारी ऊपर जाने लगती है, ठीक है। तो हमें ऐसा पॉइंट पता होना चाहिए कि जहां पर हमें मैक्सिमम रिटर्न्स थ्रू डिबेंचर्स मिलने लगे, और वो पॉइंट जहां से हमारी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है एकदम से, तो वो कर्व का वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। इसी से हम क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं अपने डिबेंचर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली जो हमारी कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कर्व है, वो हमें ये बताता है कि हम इक्विटीज में या डिबेंचर्स में, बेसिकली डिबेंचर्स क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, तो कोई भी बिजनेस यूनिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहेगी कि हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो। नो डाउट हमें इनसे बेनिफिट्स अर्न होते हैं, हमें टैक्सेस में छूट मिलती है, सॉरी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो हम पेड करते हैं लोन दे रहे होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें हमें छूट मिलती है, फाइन। तो ये जो रिबेट है, ये जो छूट है, इसको हम अवेल करने के लिए, ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा डिबेंचर्स में रिलाय हो जाएं और हम डिबेंचर्स ही इशू करने लगे लोगों को, तो हम नहीं चाहेंगे। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा,
तो अगर आपको याद आ गया हो, हम लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच में इसी चीज की लगभग बात करी थी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर हमको ये पता चल जाए कि हम डिबेंचर्स में इससे आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे रिस्क बहुत ज्यादा हमको बढ़ जाएगा और हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। फाइन, तो ये सिमिलर कर्व है, सेम उससे, बस थोड़ा सा डायग्राम का फॉर्मेशन चेंज है, बाकी ये वही सिमिलर कर्व है। आई होप कि हम लोगों ने वहां पर भी स्टडी किया था, यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी सेम है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, नीचे डेट्स डेट्स एंड एसेट्स ली है हम लोगों ने, डिबेंचर्स और इक्विटीज। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली कर्व जो है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है। हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, जब हम डिबेंचर्स में इंक्रीज करने आते हैं तो यानी जो भी कुछ डिबेंचर के बाद बचता है, जो भी हमें प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, वो सारा का सारा किसका हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इसलिए ये आप देख रहे हो कि वो इंक्रीज एकदम से यहाँ पे इनका और इनके बीच का गैप बढ़ने लगा है। फाइन, तो ये तो हो गई कर्व की बात। फिर आगे जाते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्पेसिफिक कॉस्ट, जो भी हम लोगों ने बात करी, यानी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कोई एक कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड कॉम्पोजिट कॉस्ट, जिसको हम लोग वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है, अब स्पेसिफिक कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कॉस्ट चार होती है। क्लास अगर आपको याद हो, जब हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे थे, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ रहे थे, तो हम लोग बेसिकली डेट्स ले रहे थे और इक्विटीज ले रहे थे, फिर हम लोगों ने आगे जाके प्रेफरेंस भी ऐड कर लिया। तो बेसिकली जब हम थ्योरीज की बात करते हैं तो डेट्स और इक्विटीज की ही बात करते हैं, लेकिन जब हम उससे आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हमारी कैपिटल में इंक्लूड होते हैं और इन तीनों के बाद रिटेन अर्निंग भी रहती है। बेसिकली भाई, हम सारा का सारा जो हमारे प्रॉफिट्स हैं या डिविडेंड्स हैं, हम वो बांटेंगे तो है नहीं है, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम उसे कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए सेव करके भी रखेंगे, कुछ ऐसे प्रोविजंस करेंगे जो फ्यूचर में हमारे एक्सपेंशन को सपोर्ट करें, तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग को रिटेन रखने के लिए भी, जैसे इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें सस्ते में बहुत सामान मिल रहा है, तो ये कई बार हमारे पेरेंट्स ही कहते हैं, मम्मी लोग कहती है ना कि अगर उनको लगता है डिस्काउंट पे सामान मिल रहा है, वो कहते हैं अरे वाह, डिस्काउंट मिल रहा है, एक खरीदने की जगह दो तीन चार ऐसे खूब सारे खरीद लेते हैं। सेम ऐसी क्या बिजनेस हब्स भी करते हैं, वो भी देखते हैं कि अभी इस प्रोडक्ट के रेट डाउन हो गए हैं, ठीक है, तो ऐसा करो, जैसे हमारे यहाँ तीन सीजन चलते हैं ना, विंटर, समर, ठीक है, रेनी। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे रेनी सीजन में मोस्टली लोग कपड़े हम खरीदते हैं, तो या फेस्टिव सीजन में ज्यादा खरीदते हैं, एंड हो रहा होता है ना, जब ईयर एंड हो रहा होता है तब बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं कपड़े, स्टार्टिंग से ज्यादा एंड में खरीद रहे होते हैं, क्योंकि वो दीपावली एंड क्रिसमस और ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पता है ऐसे टाइम पे सस्ते मिल रहे हैं, तो हमने खूब सारे खरीद के लिख लिए, अपने स्टोर्स भर लिए। अब स्टोर्स जब भर लिए तो हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गया, सामान तो आ गया, लेकिन हमें स्टोर भी तो करना पड़ रहा है, उसको रोक के भी तो रखना पड़ रहा है, सेफ गार्ड करना पड़ रहा है, हमारी स्पेस ले रखी है उसने। तो रिटेन अर्निंग के साथ भी ऐसे ही कुछ है कि हम उसे रिटेन रखने के लिए, रोक के रखने के लिए, हमें उसको सेफली रखना भी पड़ता है भाई, सेफ्टी के साथ वो हमारा पैसा हमारे पास रहे, जब भी एक्सपेंशन करना हो हम उसे यूज कर लें। तो बेसिकली उसको रिटेन रखने के लिए भी हमें कुछ कॉस्ट या हमारी कुछ कॉस्ट लॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उस रिटेन्ड मनी को अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर देते तो हमें तो बेनिफिट्स अर्न हो जाते, पर हमने नहीं करी, तो वो उसकी जो ये जो प्राइस हमें पे करनी पड़ रही है, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी चली गई हमसे, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स
ये जितनी भी अच्छा कॉस्ट है क्लास, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल्स, इक्विटीज, ये सारी लॉन्ग टर्म में ही आती हैं। द डिबेंचर कैरीज अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, जो डिबेंचर्स होते हैं उनमें आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ता है उनके कस्टमर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को। दिस इंटरेस्ट क्वालिफाइज फॉर टैक्स डिडक्शन इन डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी। ऑब्वियसली हम हमेशा ये चाहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसके थ्रू हम टैक्स में रिबेट पा सकें। देयर फोर द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द फर्म बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स शील्ड इट प्रोवाइड्स। तो बेसिकली जो भी हम ये रिबेट्स लेना चाहते हैं, इस रिबेट के थ्रू हमें एक टैक्स शील्ड मिल जाती है, यानी हमें छूट मिल जाती है। तो इस शील्ड को अपनाने की वजह से हमें टैक्स डिबेंचर्स इशू करते हैं हम। तो अगर हम लोग डिबेंचर्स की बात करें तो वैसे देखो क्लास होता क्या है, अगर हम काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे या काइंड ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और बहुत तरह के। लेकिन क्योंकि अभी हम टेक्निकल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं परपीचुअल और रिडीमेबल। परपीचुअल मीन्स जब तक आपके पास है, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती है, वो आपकी के पास रहेंगे, या आप अगर उसको बेचना ना चाहो तो वो परपीचुअल या इररिडीमेबल डिबेंचर्स बोले जाते हैं। दूसरे होते हैं जिनको रिडीम किया जाता है सर्टेन टाइम पीरियड, यानी अभी हमारी कंपनी को जरूरत है पैसों की तो हमने उन्हें डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो हमें मालूम है कि 5 साल में ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें बेनिफिट्स आने लगेंगे। तो रिडीमेबल में क्या हो गया, 5 साल बाद हम उसे रिडीम कर रहे हैं, यानी कंपनी उसको वापस अपने पास ले। ठीक है, तो दो कैटेगरीज हो गई, परपीचुअल एंड रिडीमेबल। फाइन, तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इनके फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे वैसे ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहले है, हाँ, फिर उसके बाद तीन चीजें होती हैं। जब भी शेयर डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो तीन तरीके से इशू किए जाते हैं। एट पार, यानी जो उनकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू अगर 10 है तो 10 के, अगर 20 के है तो 20 के, जितने की फेस वैल्यू है उतने ही के वो इशू किए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्रीमियम या डिस्काउंट। तो प्रीमियम क्या हो जाता है, अगर 10 रुपीज के हैं, प्रीमियम उसमें 2 रुपीज हो गया तो 10 + 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो वो, कुछ यस बेटा, नहीं, फेस वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम होता है। यस यस, गुड। ठीक है, तो प्रीमियम यानी कि आप उसकी फेस वैल्यू में जब कुछ एडिशनल ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात करी 2 रुपीज आपने एडिशनल प्रीमियम ऐड कर ली, क्योंकि ऐसा करते हैं लोग जिनके शेयर्स लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, या ऐसी कंपनी जो ज्यादा ग्रो कर रही होती है वो प्रीमियम पे ही इशू करते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी नई मार्केट में जाना चाहते हैं तो हम ऑब्वियसली डिस्काउंट रेट पे अपने जो शेयर सॉरी डिबेंचर्स हैं वो इशू करते हैं। तो डिस्काउंट रेट पे इशू करते हैं, यानी 10 रुपीज का फेस वैल्यू है और हमने उसको डिस्काउंटेड, यानी हमने उसको 9 पर डिस्काउंटेड रेट पे इशू किया। तो ये जो 1 रुपीज का हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या हो गया, हमारी उसकी वैल्यू हो गई 9। ठीक है, तो यानी जो फेस वैल्यू से घट जाए, फेस वैल्यू से नीचे आ जाए, डिस्काउंट का हमें वैसे भी मतलब पता है कि डिस्काउंटेड रेट का मतलब डिक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ उसके फॉर्मूले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो के डी, हम लोग को पता ही है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, आई एन टी करके जो लिखा हुआ है, या सिर्फ आई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आई इज जो इंटरेस्ट रेट है आपका, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, 1 - t। ठीक है, t जो हमारा टैक्स का रेट है। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें प्रीमियम है या डिस्काउंट है, तो अगर प्रीमियम या डिस्काउंट होता है तो हमें इंटरेस्ट के नीचे यानी इंटरेस्ट से डिवाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारी नेट प्रोसीड कितनी है। क्योंकि भाई अगर पार पे है तो हमें नेट प्रोसीड बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि नेट प्रोसीड क्या है, एक्चुअल नेट प्रोसीड कितनी थी। ठीक है, तो ये केस हो गया परपीचुअल का। अब हम लोग आ जाते हैं रिडीमेबल। अगर हम रिडीम कर रहे हैं तब की बात करी जा रही है। ठीक है, तो रिडीमेबल में आप देखोगे यहाँ पे एफ और पी, आपको पी तो आपको पता है, जिसे हम नेट प्रोसीड या एनपी एक ही बात है। एफ
क्या है, मैच्योरिटी, ठीक है, रिडेम्पशन वैल्यू। तो क्योंकि ये रिडीमेबल है तो हमें पता होना चाहिए कितने टाइम में ये रिडीम कर लिए जाएंगे। फाइन, तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेट प्रोसीड में से हम जो उसकी मैच्योरिटी या रिडेम्पशन वैल्यू है वो लेस करेंगे और नंबर्स से डिवाइड करेंगे, जितने नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हम बात करते हैं एट पार की, तो इसमें भी तीन वही है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट और ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये रिडीमेबल है। तो यहाँ पे हम फ्लोटेशन बेसिकली आप ऐसे समझ लो, जब भी हम डिबेंचर्स को जो मार्केट में ट्रेड कराने के लिए जब हम फ्लोट कराते हैं, यानी ट्रेडिंग हो रही होती है, खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोटेशन। तो यानी जब हम फ्लोट कराते हैं तो उसके कुछ हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो चार्जेस हम डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया, अगर कोई फ्लोटेशन चार्जेस है तो वो हम डिडक्ट कर देंगे, कोई मतलब कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है फ्लोटेशन के लिए तो वो हम डिडक्ट कर लेंगे। ओके क्लास, अब हम लोग जल्दी से एक एग्जाम्पल देते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले हम लोगों ने देख ही लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक कंपनी है, अ कंपनी हैज 10% परपीचुअल डेट ऑफ ₹1 लाख। परपीचुअल की बात करी जा रही है, ठीक है, यानी कि रिडीम नहीं किए जाएंगे। द टैक्स रेट इज 35% डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स। इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी है, इन्होंने बोला कि आप हमें टैक्स से पहले और टैक्स के बाद दोनों में बताओ। अगर हमें याद हो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये 1 माइनस सी ये टैक्स रेट है, तो यहाँ इसकी बात इन्होंने करी कि दोनों ही केस में बताइए, टैक्स को इंक्लूड करके और टैक्स के बिना। तो और फिर आगे दिया हुआ है हमारे सामने, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अच्छा ये हो गया, द डिबेंचर इज इश्यूड एट पार। अच्छा, इन्होंने तीनों ही केसेस दे दिए हैं, इन्होंने बोला है कि आप ये भी बताइए कि एट पार पे अगर इश्यू कर रहे हैं तब क्या है, 10% अगर डिस्काउंट है और 10% ही प्रीमियम पे है तो कैसे पता चलेगा कितना आ रहा है, ठीक है। फटाफट से हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला हम लोगों ने से लास्ट स्लाइड में है मेंशन। तो यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, जस्ट सॉल्यूशन है। बिफोर टैक्स ये यहाँ पर हमारे दिया हुआ है 10,000, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 10% के दिए हुए डिबेंचर्स, ठीक है, 1 लाख का 10% है ये। फिर यहाँ पर क्योंकि टैक्स नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग 1 माइनस जो टैक्स है वो नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हमने निकाल लिया, तो हमारे जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 10% आ रही है। फाइन, अगर हम आफ्टर टैक्स यानी अब हम 1 माइनस टी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर टैक्स में अगर हम देख रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितनी आ रही है, 6.5%। ये हो गया पार पे, यानी जो उसकी फेस वैल्यू अगर हम उतने पे इशू करते हैं तब की केस है। अब अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो टैक्स से पहले हमें कितना आ रहा है, 11.11%, और आफ्टर टैक्स 7.22% हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आ रही है, ठीक है। सेम फिर आगे फॉर्मूले में हम रखते हैं इन प्रीमियम, प्रीमियम जब हम एडिशनल वैल्यू पे कर रहे होते हैं तब हमारा कितना आ रहा है, तो जब हम टैक्स नहीं दे रहे होते हैं तो 9.09%, और आफ्टर गिविंग टैक्स 5.91%, 91% हमारा आ रहा है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो एग्जाम में मोस्ट प्रोबली आपको सारी चीजें दी होंगी, और अगर कोई भी चीज पूछी जाएगी एट पार पे निकालना है या एट प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है। आगे हम वो क्लास और भी लेक्चर्स में कोशिश करेंगे, सिर्फ इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले कराए थे वैसे इसके भी देखेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में भी वही होता है जैसे हम लोगों ने बात करी, बस डिबेंचर्स में क्या होता है, हमें एक सर्टेन रेट ऑफ सेम मतलब सेम इंटरेस्ट रेट हमें देना ही पड़ता है हर साल। और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जैसा हमने अपनी डिविडेंड पॉलिसी बना रखी है उसके अकॉर्डिंग हम डिविडेंड्स पे करते हैं,
तो क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे प्रेफरेंस लगा है, तो हम सबसे पहले इनको इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटते हैं, और लास्ट में जो कुछ भी बचता है वो सारा का सारा हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। फाइन, अब यहाँ पर भी क्या है, दो चीजें हैं और भी होती हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें बात करी कन्वर्टेबल और वोटिंग राइट्स के शेयर्स उनके होते हैं, तो यहाँ पर भी इरिडीमेबल या परपेचुअल जिनको हम बोलते हैं, और दूसरे रिडीमेबल जिनको रिडीम किया जाए, जिनका एक मैच्योरिटी पीरियड हो, एक टाइम जोन हो, उसके बाद वो हम कंपनी के पास वापस आ जाए। फिर इसमें आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर हमें निकालनी है परपेचुअल वाली तो उसकी डेफिनेशन है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स। अच्छा क्लास, हम लोग बार बार देख रहे हैं ना इसमें आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, भाई ये कौन सी बात है, क्यों हम जानना चाहते हैं कि आफ्टर टैक्स वैल्यू क्या आ रही है और बिफोर टैक्स वैल्यू क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे होते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम कॉस्ट में टैक्सेस ऐड कर लें तो हमें कितनी कॉस्ट आएगी, और अगर हम टैक्सेस को हटा दें तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और इससे क्या होता है कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं असेसमेंट करने में आराम हो जाता है कि हमें कितने बेनिफिट्स अर्न होंगे। भाई टैक्स से पहले मैं इतना रहा था, लेकिन अगर ज्यादा बेनिफिट अगर हमें होगा, ज्यादा अच्छी टैक्स की शील्ड हमें मिलेगी, गवर्नमेंट से फायदा मिलेगा, तभी तो हम देखेंगे, तभी हम इसमें इसको चूज करेंगे। इसलिए इसमें दोनों सिनारियो देखे जा रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जिसको के और स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डी लिखा होगा, ठीक है, या पी डी करके लिखा होगा, और एनपी यानी नेट प्रोसीड, या सिर्फ पी लिखा हो तो टोटल प्रोसीड की बात करी जा रही है, जितने में आपकी जो फेस वैल्यू बेसिकली जिसपे आपने अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देख लें तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड, जो डिविडेंड आप दे रहे हो, और नेट प्रोसीड इंटू 100% निकल आएगी। आफ्टर टैक्स में हम लोग बात कर रहे हैं तो वन में से हम टैक्स रेट जो होता है वो माइनस कर लेते हैं, बस इतना ही इसमें जो डिफरेंस है। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग, ये हमारे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था इरिडीमेबल। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो रिडीम किया जाता है, एक जिसकी मेच्योरिटी पीरियड रहता है, उसका फॉर्मूला ये है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू डिबेंचर्स, जितने डिविडेंड्स सॉरी जितने डिविडेंड इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स प्लस हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू, जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू उसमें से लेस कर देते हैं नेट प्रोसीड, यही हमने पिछले में भी किया था, यानी हम मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड लेस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। उसमें भी हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर रहे थे, उसमें भी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बिफोर टैक्स का है, और आफ्टर टैक्स में वन माइनस आफ्टर टैक्स रेट, ये ध्यान रखिएगा कि हमें टैक्स वाले में टैक्स रेट लेस करना है वन में से, ओके। अब इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हम लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है, अ कंपनी रेजेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹1 लाख का इंक्रीज किया बाय इशूइंग 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% की इशू करी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसकी इंडिविजुअल वैल्यू है ₹100 ईच, ठीक। अब हम लोग को निकालना क्या है, 10% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट पे हमें दोनों ही केसेस में निकालना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर इशू रहता प्रीमियम, प्रीमियम यानी फेस वैल्यू से जब ज्यादा, कितना ज्यादा, 10% ज्यादा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू जो डिविडेंड है, और डिवाइड कर रहे हैं हम नेट प्रोसीड से। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, अगर आप यहाँ पर देखो तो इन्होंने ₹100 ईच दिया हुआ है, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है। तो यहाँ पर आ रहा है ना 10,000, फिर ब्रैकेट में है 10% और ₹1 लाख, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिविडेंड जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है हमको, ठीक है।
तो उसके बाद नेट प्रोसीड कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला 10% प्रीमियम, तो हमारा कितना है 1 लाख, और उसका 10% है, तो 10% हम ऐड कर लेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा डिविडेंड कितना दे रहे हैं 10,000 का, और अगर हम उसमें से डिवाइड कर देंगे जो हमारी नेट प्रोसीड है प्रीमियम वाली, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विद प्रीमियम ऑफ 10% इज कितनी कॉस्ट आएगी, 9.09%। फाइन, अब दूसरा केस इन्होंने बोला कि भाई वो तो प्रीमियम पे हो गया, प्रीमियम पे अगर हम कर रहे हैं तो 9.09 हमारी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, रिटर्न्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम डिस्काउंट पे करेंगे तो हमें कितने रिटर्न्स आएंगे, तो डिस्काउंट पे हमें क्या करना है, डिस्काउंटेड वैल्यू ले ली है, ठीक है, बस इतना ही करना है, यानी यहाँ पे। और डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी कैसे हमें, 1 लाख में से 10,000 तो हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पास है ही डिविडेंड पर शेयर जो हमारा है, और डिस्काउंटेड वैल्यू 1 लाख में से 10% लेस कर देंगे 90,000, तो हमारी वैल्यू आ रही है 11.11%। फाइन, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। ओके, ये था हमारा इररिडीमेबल जब हम लोगों ने परपेचुअलिटी की बात करी। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिडीम, जब मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है। सेम है, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अ कंपनी इश्यूज 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर ₹1 लाख रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10th ईयर, यानी इन्होंने बोला 10 साल बाद हम उसे रिडीम कर लेंगे, ठीक है। द अंडर राइटिंग कॉस्ट इज ₹5%, कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, तो फॉर्मूला लिया हम लोगों ने, और फॉर्मूले में हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख है, 10% के हैं, 10,000 आ गया। फिर हम देखते हैं कितने की प्रेफरेंस शेयर हैं, 1 लाख के। ईयर क्या है, 10 ईयर है, नेट प्रोसीड हमारा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला अंडर राइटिंग कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है, तो ठीक है भाई अंडर राइटिंग कॉस्ट लेस कर लेते हैं, तो हम लोगों ने 5% लेस कर लिया है। अब हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पे हो गया 10,000 सी प्लस 1 लाख माइनस 95,000, जो हम लोगों ने मेच्योरिटी वैल्यू होती है हमारी, और यहाँ पे दिया ना मेच्योरिटी वैल्यू कितने में रिडीम करेंगे, और जो हमारी नेट प्रोसीड है जो अंडर राइटिंग कॉस्ट को लेस करने के बाद आ रही थी, वो हमारी आ रही है 95, तो हम लोगों ने ये लेस कर दिया। डिवाइड कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ इयर्स से, कितने ईयर बाद मैच्योर होगा, 10 साल बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में बाकी की चीजें पुट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं तो हमारा क्या सॉल्यूशन आ रहा है, 10.77%। बेसिकली ये जितने भी हम कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं ना, कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये जानने के लिए होता है कि हम रिडीमेबल इशू करें, हम इररिडीमेबल इशू करें, हम डिबेंचर्स इशू करें, या हम प्रेफरेंस शेयर इशू करें, तो हमें कहाँ से कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी लॉस हो जाएगी, ये सब जानने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज होता है। तो आज इतना ही इस लेक्चर में रखेंगे। लोगों ने बात की है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करी है, और दोनों में ही रिडीमेबल और इनरिडीमेबल, और इन दोनों में रिडीमेबल और इनरिडीमेबल में भी हम लोगों ने एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट की बात करी है। आई होप क्लास की आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, एंड आई होप आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी। हर्षित, प्रखर, हर्ष, सृष्टि, जया, ईशा, अनामिका, वंशिका, अलका, हिमांशु, आर्या, सिद्धार्थ, अभिषेक, सचिन, आयुषी, रिया, अंजलि, समीर, हर्ष, दो हैं हर्ष, सैनी एंड हर्ष यादव। हर्ष यादव, यस, दोनों हैं हर्ष यादव एंड हर्ष सैनी। क्लास और कोई ऐसा जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी हो तो प्लीज मेंशन कर दीजिए।